हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ एंड आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आज सुबह से ही कैमरा उठा लिया था कि आज तो शूट करना ही है। काफ़ी दिनों से एक भी व्लॉग नहीं डाला था और फिर लेट होता जाता है और व्लॉग लाइव करने में ना फिर बहुत लेट हो जाता। आज ब्रेकफास्ट में मैंने दाल के पराठे बनाए थे जो लेफ़्ट ओवर बच गई थी। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप किसी को खाना दे नहीं सकते। अगर आपका खाना बचेगा ना तो वो सीधे सीधे डस्टबिन में ही जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि दो लोग हैं तो उतने ही खाना बने जितना बचे नहीं। फिर भी अगर दाल वगैरह कभी बच जाती है तो मैं उसके पराठे बना लेती। इसमें मैंने प्याज ऐड किया था, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड की थी और पाउडर्ड मसालों में सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था बस। और बस इसको ऐसे सीधे सीधे बेल के सीधे सीधे ही सेक लिया था। घी मैंने आटे में ही ऐड कर दिया था इसलिए फिर इसके तह बनाकर वैसे ऐड नहीं किया। मुझे पर्सनली पराठे बहुत पसंद है, स्पेशली वो वाले पराठे जो स्टफ्ड होते हैं जैसे कीमे के, आलू के, प्याज के, ऐसे वाले पराठे मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ में। ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लो लेकिन जो पराठे और चाय का मज़ा है ना वो नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है, मुझे बहुत पसंद है पराठे तो मैं बहुत ज़्यादा पराठे खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। स्पेशली कभी भी दिल होता है तो पराठे सबसे ज़्यादा बनाती हूँ। ये रेसिपी मैं ड्राई फ्रूट बाइट्स की शेयर कर रही हूँ। इसके लिए काजू, बादाम, वॉलनट, ग्रीन पम्पकिन सीड्स, पिस्ता और डेट्स चाहिए होते हैं। ये इसका सबसे ट्रिकी पार्ट था, ये इतना मुश्किल था डेट्स को ब्लेंड करना। बहुत ही मुश्किल में ये डेट्स ब्लेंड हुए थे बट फाइनली हो गए थे कोशिश कर कर कर। इसका ना बहुत वायरल हो रहा था ये वीडियो विंटर स्पेशल, विंटर स्पेशल, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना कर देखती हूँ। और इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था तो जो लोग बनाना चाहते हैं ना ज़रूर बनाएं। ये इजी भी है बनाना, बहुत जल्दी बन भी गए थे तो बस इसको मैंने जल्दी जल्दी सारा चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद जो वाइट तिल थी मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके और साइड कर दिया था। मैंने सेम पैन में 2 चम्मच घी में जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप किए थे सबको मैंने ऐसे ही शैलो फ्राई कर लिया। फॉइल लेकर मैंने उस पर भी घी लगा लिया था और कुछ सेसमे सीड्स मेरे बचे थे तो वो भी मैंने उस पर डाले। अच्छे से उसको रोल कर दिया था दोनों साइड से एक ट्विस्ट करके। अच्छे से मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था अप्रोक्स आधे घंटे के लिए। जब तक आप एक बार निकाल के भी देख लेना, अगर नहीं हो तो थोड़ी और देर के लिए भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। मेरा हो गया था, यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो आजकल फ्रिज भी बहुत ठंडा हो रहा है तो जल्दी ही हो गया था। और उसके बाद में बस इसको पीसेस में कट कर लिया था। ये देखिए दिखने में जितने अच्छे थे ना खाने में भी उतने ही अच्छे थे। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है।
आज वीकेंड था तो आज कॉरिडोर भी क्लीन होने लग गया था। वैसे ये लोग महीने में एक या दो बार ही आते हैं, बट पता नहीं क्यों इस मंथ में तो काफ़ी बार आ चुके हैं। आई थिंक हर फ्राइडे को ही आ रहे हैं, मे भी शायद अब हर फ्राइडे हैं, देखते हैं। बट हाँ, क्लीन क्लीन काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं निकली मस्जिद जाने के लिए। वैसे तो मस्जिद करीब में ही है, लेकिन यहाँ पे रोड 6 लेन होता है ना, इस वजह से हर जगह जाने के लिए कैब करनी होती है। इंडिया की तरह यहाँ ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। ये रही वुमेन मॉस्क। वैसे तो यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं लास्ट तक रुक गई थी कि जब सारी मस्जिद खाली हो जाएगी उसके बाद मैं फोटोशूट कर लूँगी थोड़ा सा। लास्ट में यहाँ पर चेयर्स वगैरह रखी होती हैं, जिनको बैठ कर नमाज़ पढ़ना है वो बैठ कर भी पढ़ सकते। यहाँ ऐसे सामने स्क्रीन लगी हुई है, तो स्क्रीन पर जो नमाज़ पढ़ाते हैं वो नज़र आते हैं, और इसका झूमर ये बहुत खूबसूरत है। फिर बस वापस से घर की तरफ निकल आए थे। ये जो बिल्डिंग है ये दोहा हाउसेज है, ये बहुत प्यारी बनी हुई है। ये जो लाइंस इस पे दिख रही है ना, इस पे रात में स्क्रीन पे पूरा शो होता है, ये एक्चुअल में लाइट्स है सारी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।